हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, जिसमें बात कर रहे थे हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में। तो हम लोग पिछले 16 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो 16वां चैप्टर था उद्विकास से संबंधित। अब ये है हमारा 17वां चैप्टर, जंतु जगत का वर्गीकरण, इसमें देखेंगे। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं, ये सभी लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, जो जनरल साइंस नाम की प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो याद रखिए, रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहास और उप क्या भेंट किया जाता है? यूपले किटेला। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? यूपले क्रेटेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो ओस्टिया। स्पंज के सिरों सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्किकुलम। सेलेंटेटा संघ को किस नाम से जाना जाता है? नेडेरिया। किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सीलेंटेटा, हाइड्रा। का पिछला अंग कौन सा है? टेंटिकल्स। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एसरिसिया कोलाई, ई कोली। ठीक है, ए कोली। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ओरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रीडियम। पोर्टुगोइस मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है? फाइसेलिया। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखते हैं? प्रोटोजुआ। विशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? पैरामीसियम। अमीबा का पिछला अंग कौन सा है? कूटपाद। हरा प्रोटोजुआ के नाम से किसे जाना जाता है? योगलीना। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? योगलीना। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका लिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। पेचिस या अमी बोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सा है? एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजुआ को कौन सा है? प्लाज्मोडियम। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ कौन सा है? लीशमानिया। निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ट्रिपेनोसोमा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा। याद रखिए, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजुआ कौन सा है? ई कोलाई। अमीबा में कूटपात क्यों महत्वपूर्ण है? भोजन ग्रहण करने तथा पिचलन के लिए। अमर तत्व का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? फ्लेटी हेलमिंथीज। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फ्लेटी हेलमिंथीज।
आगे बात करते हैं। कौन सा कृमि मानव के लिए उपयोगी नहीं है? फीता कृमि। किसका अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर। गोल कृमि या सूत कृमि को किस संघ के अंतर्गत रहते हैं? नीमेथिलीमीज। एस्केरिस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरियसिस। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ओचूरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। अब बात कर लेते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। कोशिकीय स्तर का संगठन पेरिफेरा, ऊतकीय स्तर का संगठन ठीक, बिना गुहा का अगुहीय कूट गुहीय, सत्य गुहा गुहीय, फिर है बिना गुहा में भ्रूण की वृद्धि के समय एकल कोश से बनी सेसोडर्मिक कोशिकाएं, एनिलिडा मोलस्का व आर्थोप, फिर है एंडोडर्म की वलय से बनी देहगुहा, इसमें नोटोकार्ड अनुपस्थित, एनआई एकाई नोड मेटा, फिर नोटोकार्ड उपस्थित जिसमें कोडेटा, जिसमें लावा स्थित स्थिति में उपस्थित लेकिन अर्धविकसित रूप से प्रोटोकार्डेटा, वयस्कों में नोटोकार्ड का वर्टिब्रल कॉलम में बदलना वर्टिवेला बेटा ठीक, जिसमें पिसीज या मत्स्यवर्ग, एम्फीबिया या उभयचर, एप्टिलिया या सरीसृप, एविस या पक्षीवर, मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग ठीक। आगे बात करते हैं फेरिटीमा फोस्थ्यूमा किसका वैज्ञानिक नाम है? कैंचुआ का। कैंचुए में कौन सा रक्त वर्धक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता है कैंचुए में। कैंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली कर मृदा में ओटू की मात्रा को बढ़ाकर। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। मच्छर में लाल खून उभर आना किस पोषण के कारण होता है? स्तनधारी। लाख किससे उत्पन्न होता है? कीटों के शरीर के द्रवण से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम के कीट प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लावा क्या कहलाता है? मैंगोट। आगे बात करते हैं बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। तितली की आंख रात में क्यों चमकती? टेपीटम लोसीडम के कारण। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? सीसी मक्खी। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का वाहक है मदा एनोफिलीज। कटक फिश के नाम से किसे जाना जाता है? सीपिया को। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है टेरिडियो। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? लियोपिलिना। क्या तारा मछली वास्तव में कहलाती है? नहीं। क्या फ्लाइंग फिश वास्तव में मछली है? हाँ। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाई नोड मेटा का। अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? एस्टीरियस। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? गिल्स। मछलियों के हृदय की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है? हाँ। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। सबसे विचैली मछली कौन है? पांसाड़ मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग में होने वाली कीट बक्षी मछली कौन सी है? गेम्यूसिया। जल से बाहर निकालने पर मछली क्यों मर जाती? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। एम्फीबिया वर्ग में कौन आता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु।
आगे बात करते हैं, केवल नर मेंढक टरटराते हैं क्योंकि मादा मेंढक वाक्कोश नहीं होते हैं। मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है। नर मेंढक में वाक्कोश होते हैं। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि वह यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जंतुओं की औसत जीवन काल के बारे में। तो ये जंतु हो गए, औसत जीवन काल हो गए वर्षों में। एलिगेटर 56 साल जीता है। बिल्ली 21 साल है इसकी औसत जीवन आयु। कोबरा नांग 28 वर्ष। कुत्ता 34 वर्ष। मेंढक 5 से 15 वर्ष। बकरी 18 वर्ष। घोड़ा 62 वर्ष। वाक्स टर्टल 123 वर्ष। केंचुआ 4 से 10 वर्ष। बंदर 25 वर्ष। व्हेल 40 वर्ष। मोर 15 वर्ष। डॉल्फिन 20 वर्ष। ऊंट 30 वर्ष। चिंपैंजी 37 वर्ष। चिंपैंजी 37 वर्ष। गाय 16 वर्ष। हाथी 57 वर्ष। जिराफ 33 वर्ष। चमगादड़ 2 वर्ष। कबूतर 10 वर्ष। जाइंट टोटो यस 170 वर्ष। शेर 29 वर्ष। मनुष्य 66 वर्ष। औसत आयु पूछ बता रहे, ठीक है। भेड़ 18। दरियाई घोड़ा 40 वर्ष। ठीक है, लाइक कुछ सीत रखती है प्राणियों के नाम बताओ। तो मछली, मेंढक, छिपकली। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। निसंग प्राणी कौन सा है? कछुआ। किसी जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होती? घड़ियाल में। विषैले सांपों में विष ग्रंथियां किससे परिवर्तित होती हैं? लार ग्रंथि से। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? करैत। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। पहला किलोन पशु डोली कौन सा था? भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। HIV द्वारा होने वाला रोग है आदसक एड्स। एड्स वायरस क्या है? एक सूची RNA। आगे बात करते हैं, डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। वैसेली छिपकली कौन सी है? हेलोडर्मा। उड़न छिपकली कौन सी है? ड्रेको। किसकी उपस्थिति के कारण गिड़गिट रंग बदलते हैं? वर्ड की लवक के कारण। समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? हाइड्रोविस फिस। सर्प में मध्य कर्ण होता है, विध्वनि कहाँ से ग्रहण करते हैं? त्वचा से। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, विध्वनि कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो याद रखिए त्वचा से। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? वातिल। भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कौन व्यक्ति हैं? डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबदिनी किसमें वाघ यंत्र है? पक्षी में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न हीन पक्षी कौन सा है? कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसमें चोंच में दांत था कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप तथा पक्षियों की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। पाओ किस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? अंगुलियों पर
चिपकने वाले लेमिलियुक्त गद्दियों के कारण। कौन सा पक्षी शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में के अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। वेलर्डर क्या है? सघन वसा की परत। डॉल्फिन किसकी वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। वेल को स्तनधारियों में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां जरायुज बाल पाए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तन कौन सा है? बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कुष्ठ होते हैं? 4। केंद्रक विहीन लाल रुधिकाणु किनमें पाए जाते हैं? स्तनियों में। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। होमोसिपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भूड़ गर्भ में मां से क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। कौन सा अंडा स्तनी है? मोनोट्रीम। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? कंटीला चिंटीखोर। किन्हें दो नियत माफी प्राणियों के नाम बताइए? चमगादड़ और व्हेल। कौन सा स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। स्तनपाई के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? मेंढक। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? बेबून। अनियत तापी प्राणी कौन सा है? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। हरित ग्रंथियों किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बतख में। डायनासोरस कौन थे सरीसृप से जो लुप्त हो गए? रक्त में पिति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? अफ्रीकन हाथी। सबसे अधिक मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट लेमर। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन। जरा यूज छिपकली फ्राइनोसोमा। सबसे बड़ा मेढक राना गोलीथ। सबसे बड़ा मोलस्का डेथ स्क्वीड। सबसे बड़ा सीपी ट्राई डेकना। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड हेमी फस्टस। सबसे आदि आर्थोपोडा पेरीपेट्रस। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरस। सबसे बुद्धिमान होमिनिडा मनुष्य। आगे बात करते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे आदि स्तनी एकेडिना। अंड प्रजनन स्तनी डकविल फ्लेटिफस। अंड जरायुज स्तनी कंगारू। सबसे छोटा उड़नशील पक्षी कीवी। जरायुज मत्स्य स्कोलियो डॉन। जरायुज आर्थ्रोपोडा बिच्छू। कुछ और देखते हैं। जरायुज सर्प बाइपर व समुद्री सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली हेलोडर्मा। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी कोसा तंतिका कोसा। सबसे आदि हेलमिनथीस प्लेनेरिया। सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस। सबसे छोटी अस्थि स्टेफिस। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नीली भील। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। सबसे छोटा स्तनधारी छछुंदर क्रेफिश आर्थ्रोपोडा। कटलफिश मोलस्का डेविल फ्रिस मोलस्का।
सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ, सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि एक यकृत, सबसे बड़ी अस्थि फीमर, सबसे बड़ी पेशी गैलूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ा आकशेरुकी जंतु दैत्याकार सिक्विड, सबसे छोटी मछली गोभी मछली, जेलीफिश सिलिटेटा, सिल्वरफिश इंसेक्ट्रा, स्टारफिश इकाई नोडमेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। आर्की योप्टिस योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है, सरीसृप पक्षी, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, डायटम, मैमथ किसके पूर्वज हैं, हाथी के, फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं, कीटों में, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, भेल सार, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, गोरिल्ला, क्या पांडा भी उसी कुल का है, हाँ, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, वातक तंत्र से, एकेडिना अंडे देता है या सीधे बच्चे, अंडे, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मिथुनोपरांत नर को मार देती है, मकड़ी, याद रखिए। आगे बात करते हैं, तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, गेम्बूसिया, कौन सा एक कपी नहीं है, लंगूर, डोलोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, स्तनधारी, भारतीय वन्य जीव में जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल वल्गुल क्या है, चमगादड़, मधुमक्खी में पुम धूप कौन है होते हैं, जनन छम नर, कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, यात्री कपोत, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है, पक्षी, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है, दूसरा कृंतक, डार्विन फिचेंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए, किस युग्म विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, कॉकरोच और सिल्वर, कौन कीट नहीं है, मकड़ी, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकट उत्पन्न एशिया का शीश भर पक्षी कौन सा है, ढोल, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है, जर्म फ्लाजम बैंक, बाया महाधमनी चाप किसमें दिखाई देता है, स्तनपायी में, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में, ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उदर से, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवारें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ खंग चूषण कौन सा करता है, यकृत, पेप्सिन क्या है, एंजाइम, पेप्सिन किसको बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस प्रकार पदार्थ में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत, लीवर, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत में, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, हार्विन, पेसमेकर का क्या कार्य, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, गतिपेरक पेसमेकर किससे संबंधित, हृदय से, किनकी भीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, धमनी, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, घटता है, रोधे दबाव मापत्यंत्र है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जार्विक सेवन है क्या है, किंतिम हृदय, जार्विक सेवन किंतिम हृदय, ठीक है, एक तार रहित पेसमेकर, भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमेरिकी विज्ञानी विवेक रेड्डी ने
बिना तार का विश्व का पहला पीसमेकर तैयार किया, जिसका आकार पारंपरिक पीसमेकर की तुलना में 10 गुना छोटा है। नैनो स्टम नामक इस तार रहित पीसमेकर की को जांग के ऊपरी हिस्से के पास स्थित रक्त वाहिनी के जरिए शरीर के अंदर डाला जाता है, फिर इसे धीरे धीरे हृदय में पहुंचा दिया जाता है। इस पीसमेकर को प्रत्यारोपित करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। आगे बात करते हैं लब डब आवाज के संग से संबंधित है हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होती है? 72 बार। मानव शरीर में कितने कोष्ठक हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक व डाइस्टोलिक 120 से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय किसकी तरह कार्य करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एरोटा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी है? शरीर के वजन की 7% के करीब। एक वयस्क में रक्त औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या पीला स्पलीन। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की 50% मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। रक्त में पाया जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजाण्डासन। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां इसका निरोध करती हैं? अंडोत्सर्जन का। आगे बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना में निषेचन व विकास कैसे होता है? निषेचन बाह्य और विकास आंतरिक होता है। मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने यानी कि 280 दिन। स्त्रियों को नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। प्रथम परखने के लिए शिशु का नाम क्या है? लुइस। एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतरावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन। इनमें से कौन अंतरावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। आगे बात करते हैं गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलन विकास। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलकंड में किस ग्रंथि की अभिवृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? आउटी ग्रंथि। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरोक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन।
कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती हैं? परावट्टू। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ओ2। थायराइड। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। स्त्री लैंगिक हार्मोन्स के नाम बताइए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है? ग्रेफियन पोटिकाओं द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एडिनेलिन। मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है? सरीसृप वर्ग का। मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। कौन से स्तनधारी बच्चे को जन्म नहीं देते? एकिडिना व प्लेटीपम। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। कालाजार रोग किसके द्वारा फैलता है? सेंड फैलाई या बालू मक्खी। सर्दी जुकाम किस विषाणु द्वारा फैलता है? राइनो वायरस। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वेरिसेला वायरस। वेरोइड की खोज किसने की थी? टियोडाइनर। पोटेटोस्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? वेरोइड। प्रोटॉन्स क्या है, इसकी खोज किसने की? ये प्रोटीन के बने कण हैं, प्रोटीन के, जिन्हें सर्वप्रथम प्रोसीनर ने देखा था। पियोन्स के द्वारा भेड़ों तथा बकरियों में कौन सा रोग फैलता है? स्केपी रोग। मानव में कुरु रोग किसके द्वारा फैलता है? पियोन्स द्वारा। ऊंट अपने कुवड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? मरुभूमि की वायु में चलने ते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता है जबकि गाय पचा सकती है, क्योंकि गाय की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 17वां चैप्टर जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, और 18वें में देखेंगे हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान।